जय सियाराम, राधे राधे। क्या जी, आज का विचार भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सुमित पी शो में। और हमेशा की तरह निवेदन है लाइक शेयर और सब्सक्राइब का, फटाफट जरा ये काम कर दीजिए और हमारे वीडियो को आगे चलने में और चैनल को आगे चलने में मदद कीजिए। लगभग लगभग 50,000 का आंकड़ा पहुंच गया है, थोड़ा सा दूर है 50,000 से। मुझे लगता है कि आज हम 50,000 का आंकड़ा पार कर ही लेंगे आपका सानिध्य रहा तो। चलिए आते हैं आज के विषय पे। आज का विषय है खालिस्तान इंटरनेशनल की कमर टूटी, भारत में भल्ले भल्ले। अब बोले कि सुमित भाई, सुबह सुबह क्या हो गया, कैसे खालिस्तानियों की कमर टूटी? जी, खबर ही कुछ ऐसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग और रोचक खबर आई है सर। इंटरेस्टिंग और रोचक खबर ये है कि खालिस्तानियों की जनाब कमर टूट गई है। बोलोगे कैसे टूटी, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, खालिस्तानियों को जो खाद पानी दाना पानी मिलता था खालिस्तान इंटरनेशनल में, इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ये एक इंटरनेशनल समस्या बन चुकी है। और इनका दाना पानी खाद पानी मेल ही आता था कनाडा से, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो से। आप जानते हैं जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को बैक करे जगमीत सिंह, और जगमीत सिंह के दम पे चलती थी जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट। अब इनका 3 साल पहले एक अकॉर्ड हुआ था कि 2025 तक हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, 2015 से जस्टिन ट्रूडो बार बार आ रहा, कुछ काम करता नहीं, निकम्मा आदमी है, और आप जानते हैं कि चॉकलेटी बॉय है, फेल्ड एक्टर, फेल्ड मॉडल, फेल्ड फिल्म प्रोड्यूसर, मतलब और फेल्ड पॉलिटिशियन, ये हर जगह ही फेल है। अब ये जो फेल सिंह है, जसपिंदर सिंह ट्रूडो, फेल सिंह भी कहता हूँ मैं उसको, फेल सिंह की सरकार लास्ट टाइम भी नहीं बनती तो जगमीत सिंह ने इसके साथ एक डील कर ली। जगमीत सिंह ने डील कर ली, भाई तुम हमारे सिख कम्युनिटी का ध्यान रखो। और जगमीत सिंह के वोट कहाँ से आते? जगमीत सिंह के वोट आते सिख कम्युनिटी से। कहाँ से आते साहब? जगमीत सिंह का वोट बैंक जो है वो है बेसिकली वो सिख जो खालिस्तान के प्रति संवेदनाएं रखते हैं, और ओवरऑल सिख कम्युनिटी का भी वोट इसे मिलता है, पर जो मेन वोट इसका है वो है कहीं ना कहीं इसका वोट खालिस्तान सिंपथाइजर से आता है, ये भी एक वास्तविकता। अब जो जगमीत सिंह सत्ता में आते तो 3-4 चीजें उन्होंने कही थी, कह रहा जी डेंटल जो है हमारा वो आप सरकारी उस इलाज में डलवा लोगे, इंसुलिन डलवाओगे, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो हमारी कम्युनिटी को चाहिए और आप इसमें डलवाओगे, ये सरकारी पैकेज में नहीं होता, सरकारी फ्री में नहीं होता, आप ये डलवाओगे हम आपको वोट देंगे, ये कहने की चीज है भाई सर। न इसके लिए कोई वोट देता, न इसके लिए कोई वोट लेता, न इसके लिए कोई बिकता है, ना कोई बेचता है। बेसिकली एजेंडा था कि जगमीत सिंह की वैल्यू कुछ नहीं है, माइनस अगर वो सरकार का पार्ट ना हो, छोटी सी पार्टी कुछ सीटें जीतती है, बट अगर उसके दम पे सरकार चलती तो किंग मेकर बन जाता। तो ये डीप स्टेट की बात करें, कबाल की बात करें, और काफी वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करें कि भाई जगमीत सिंह के दम पे जस्टिन ट्रूडो की सरकार चले और तब तक चलती रही जब तक जगमीत सिंह चाहे, ये प्लान था और यही प्लान क्रियान्वित किया गया। अब दो लोगों को भी कुछ दिखाना तो लोगों को बता दीजिए, इंसुलिन की बात है, डेंटल केयर की बात है, ये छोटे इस बेनिफिट की, छोटे उस बेनिफिट की बात है, जबकि वास्तविकता ये है मेन गेम का। अब देखिए, कोई भी संस्था हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहिए तो फंडिंग ना, फंडिंग कहाँ से, पैसा कौन देगा? पैसा इंडिविजुअल तो देगा नहीं, जो जो अपना इंसुलिन या डेंटल केयर के लिए सरकार से अपेक्षा करता वो आपको पैसा तो दे नहीं सकता। तो जगमीत सिंह के पास पैसा कहाँ से आता था? जगमीत सिंह के पास पैसा यहाँ से आता, जो एंटी इंडिया का पाल है, जो एंटी मोदी का पाल है। अब बोलेंगे उनका यार कनाडा में क्या लेना देना? देखिए, कनाडा बिल्कुल ऊपर है अमेरिका के, इसको 52nd स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। कनाडा की पॉलिटिक्स, कनाडा की चीजों का प्रतिबिंब जो है यूएस में दिखता है, यूएस की चीजों का प्रतिबिंब कनाडा में दिखता है। अगर एक अमेरिका से लगा हुआ 52nd स्टेट, टेक्निकली प्रैक्टिकली कहूं मैं उसको, अगर उस स्टेट में एंटी भारत सेंटिमेंट उठे, एंटी मोदी सेंटिमेंट उठे, एंटी इंडिया सेंटिमेंट उठे, एंटी हिंदू सेंटिमेंट उठे, तो एक बहुत बड़ी चीज कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में दर्ज होगी, हाँ साहब यहाँ तो बहुत दिक्कत है यार, ऐसे तो बहुत शोषण उत्पीड़न हो रहा है, और हिंदू सिख डिवाइड क्रिएट करना है। देखिए, पाकिस्तान ने के पास K2 डेस्क है, K4 खालिस्तान, K4 कश्मीर, कश्मीर में आप जान ही रहे क्या हो रहा है। अब जो खालिस्तान डेस्क वाले हैं यार, ये भी फोकट में तनख्वाह तो नहीं ले रहे, कुछ 70-100-200 लोग इस पर रोज काम करते, तो कहीं ना कहीं डिवाइड तो क्रिएट करना है। पहले इन्होंने पंजाब में कोशिश की, वहां विफल हो गए, फिर इन्होंने ब्लू स्टार के बाद कोशिश की, वहां विफल हो गए। अब जब पंजाब शांत हो गया, संपन्न हो गया, देखिए हिंदू सिख को डिवाइड करना असंभव है, खून एक है, डीएनए एक है, कहां खून और पानी को थोड़ी ना अलग कर सकते हो, दूध में से पानी कौन अलग कर पाया आज तक, वो वाली बात है, डिवाइड तो कर नहीं पाओगे। हाँ, कुछ ऐसे लोग जिनको आप इस मानसिकता के आधार पर अलग कर सकते हो, उनको एज ट्रबल मेकर्स यूज जरूर कर सकते हैं, ये पाकिस्तान का प्लान था।
अब इन ट्रबल मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां सरकार इन पे डिपेंडेंट हो और इन्हें खुली छूट मिले। आज ये रेफरेंडम कर दिया, आज यहाँ ट्रैफिक रोक दिया, आज ये रैली कर ली और सरकार छुप रही। इसके लिए कनाडा वाली अपॉर्चुनिटी सामने आई और कनाडा वाली अपॉर्चुनिटी को पकड़ा गया, ठीक है साहब इसको पकड़ो और इसका इस्तेमाल करो। और ये जगमीत सिंह की कहानी है। अब जगमीत सिंह को क्या दिखा? जगमीत सिंह को दिखा जो थियोडो की लिबरल्स पार्टी है ये थोड़ा हल्की जा रही, कंजर्वेटिव वहां थोड़ा ऊपर उठ रहे, और इसे लगा यार जो आने वाला चुनाव है इसमें लगभग लगभग थियोडो की हार निश्चित है। इसको तो लोग इंटरनेशनल जोकर भी कहते हैं, ये कैनेडियन पप्पू भी कहते हैं इसे, तो कैनेडियन पप्पू की हार निश्चित है। तो जगमीत सिंह अपने हाथ झाड़ रहे, बहाना क्या बना रहा? बहाना बना रहा जी तुमने किसी इंडस्ट्री के साथ एक एमओयू किया, उस एमओयू के अनुसार तुम कैनेडा के वो इंडस्ट्री कुछ कैनेडा में अपना सर्वे करेंगे, वहां से कुछ माइंस वाइंस का काम करेंगे, तुमने कैनेडा के इंटरेस्ट बेच दिए। अरे भैया जगमीत सिंह तुम्हें आज ही पता लगा, ये तो रोज की, तो हर गवर्नमेंट करती है। हर गवर्नमेंट माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट देती, लोग माइन करते, गवर्नमेंट को पैसे देते, खनिज बेचते, तो इसमें कैनेडा के इंटरेस्ट बेचने की बात कहां से आ गई? बोले जी तुम कैनेडा की इंडस्ट्री के सामने झुक गए हो, तुम सेल्फिश हो, तुम निकम्मे हो। मतलब आज पता लगा भाई को, आज पता लगा ये सेल्फिश और निकम्मा। ये सब कहने की बात है, अब इसके पीछे की कहानी क्या? पहली बात, नई सरकार में इसके समर्थन या इसके समर्थन के बिना जसतिंदर सिंह थियोडो खत्म सिंह, जिसे मैं कहता हूँ खत्म सिंह, सत्ता में नहीं आया। जब ये जसतिंदर सिंह थियोडो सत्ता में नहीं आएगा तो ये अपना पलड़ा उससे झाड़ना चाहते हैं, अपनी इमेज साफ करने के लिए। अब उससे पलड़ा झाड़ेंगे तो क्या होगा? एक नो कॉन्फिडेंस वोट आएगा, नो कॉन्फिडेंस वोट आएगा तो जो मानिए इलेक्शन 2025 में होना था वो उससे पहले होगा, क्योंकि अन्यथा जसतिंदर सिंह थियोडो बाहर जो अपोजिट खेमा उसमें से कुछ विधायक तोड़ के नहीं लाता, उसकी सरकार का गिरना तय है। इलेक्शन जल्दी होगा, इलेक्शन जल्दी होगा फिर देखेगा समीकरण कैसे बनते हैं। मान लो थोड़े बहुत अलग विरोधी खेमे वाले जो आजकल अपोजिशन है वो थोड़े बहुत कम पड़ रहे, तो ये फिर ये वहां जाएगा। मतलब आप जानते हैं यहाँ भी एक पॉलिटिशियन था, वो किंग मेकर का काम करता था, कहता मैं तो किंग मेकर हूँ भाई, जो जीतेगा मैं उसके साथ। अब यहाँ जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया, जो खाना पीना था खा लिया, अब ये जा रहा है नीचे तो मैं तो चला। देखिए जब जहाज डूबता हो तो सबसे पहले कौन भागते? चूहे। तो ये तो निकल ले, चूहे तो सबसे पहले भागते हैं, ये रूल है भाई, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। तो अब इसे दिख रहा है जसविंदर सिंह थियोडो का, जस्टिन थियोडो का जहाज डूब रहा है, मैं निकल लूं पतली गली से। क्यों? अगर कल किसी को मेरी जरूरत रहेगी तो मैं रेलिवेंट रहूंगा, रेलिवेंट रहूंगा तो मेरा इंश्योरेंस रहेगा, इंश्योरेंस रहेगा तो मेरी नीड रहेगी, मेरी नीड रहेगी तो मुझे फंडिंग मिलेगी, मैं डीप स्टेट CIA इन सब का एसेट बना रहूंगा। अगर मेरी जरूरत ही नहीं रही किसी को तो भाई कोई मुझे बर्दाश्त क्यों करेगा? राजनीति है, कोई गृह नीति तो है नहीं। तो इसने वक्त रहते पलड़ा झाड़ दिया। अब इसके पीछे अब बोलेंगे टाइमिंग क्यों है? अभी एक आध साल उसकी भाई सरकार तो चल ही रही थी। टाइमिंग इसलिए है कि भारत का प्रेशर, अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हमारा प्रेशर कैनेडा पे, US पे, CIA पे काफी जगह से पड़ रहा है। और डॉक्टर जयशंकर साहब ने बड़ा जबरदस्त काम किया, उन्होंने समझा भाई ये जो तुम का चला रहे हो पन्नू को, ये जो कनाडा में नाटक हो रही है भाई साहब चलने वाली चीजें नहीं है, हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, या तो आप एक्ट कर लो नहीं तो हम एक्ट कर लेंगे। अब प्रभु क्या चाहे, अब कौन कहां पहुंच जाए, कौन कहां निपट जाए, किसका कहां काम हो जाए, क्या पता। ये जो निजर को लेके इसने ड्रामा किया इस पे बहुत भारी पड़ा। ये जो हमने टीवी पे यूट्यूब के माध्यम से इनकी पोल पट्टी खोली इन पे भारी पड़ी, सबको पता लगा कनाडा जो एक ऐसा देश है जहां इंटरनेशनल टेरर और टेररिस्ट को समर्थन मिलता है, कनाडा एक ऐसा देश है जहां खालिस्तानियों ने गवर्नमेंट को इन्फिल्ट्रेट नहीं किया, उनके दम पे साफ गवर्नमेंट चलती है। और जो मैं 7 फ्रेंड्स की बात कर रहा था भारत के, जिसमें खालिस्तान एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड था, क्योंकि इनकी पहुंच US, UK, कनाडा और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में भी है। अब देखिए US UK वाला फ्रंट, ये सरकार जाती जगमीत सिंह की दुकान बंद होती ये तो गया। अगर US UK का फ्रंट जाता तो US और कनाडा का फ्रंट जाता तो UK और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि सत्ता इस पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं। अब भारत में तो हम तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए तो अच्छा भैया, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या हमारी UK में कटी, एक बहुत बड़ी समस्या हमारी कनाडा में कटने वाली है और अमेरिका में कटने वाली है, क्योंकि इन डायरेक्ट इनका रिलेशन UK में है और बाकी ऑस्ट्रेलिया में भी समस्याएं फिर धीरे 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 कंट्रोल में आएगी। अब कारण क्या है? देखिए कारण भारत की डिप्लोमेसी है, कारण कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स है, कारण अमेरिका की चीजें हैं, कारण अमेरिका को चाइना को अपना नंबर 1 थ्रेट मानना है, अमेरिका को चाइना और रशिया की जो
नजदीकिया नॉर्थ कोरिया का एंगल आ गया, इसमें सब परिपेक्ष में अमेरिकन को भारत की जरूरत है। अब डिप्लोमेसी तो टेबल वाली है ना, तो बंदूक वाली है नहीं, टेबल वाली है। तो टेबल पर रख के बैठोगे तो डॉक्टर सामने बोलोगे, भाई देखो एक दो समस्या जरा इनको देखो। तो ये भी संभावना है कि जब इसके आका होने से बोला बेटा बहुत हो गया, दुकान बंद करो नहीं तो लपेटे जाओगे, तो फौजदा इसने दुकान बंद कर दी हो। बाकी भारत ने एक ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया इनके अगेंस्ट पंजाब में, और भगवंत सिंह मान जी की सरकार भी समर्थन कर रही है उसमें। ये जो पंजाब में इनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है, अब भाई इनका इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो क्या नाम है ये, जहाँ इनका वो बहुत बड़ा अड्डा कैनेडा में, उसका नाम है सरे, सरे से नहीं आती इनकी स्ट्रेंथ, आती है पंजाब से। पंजाब में जो उन्होंने जमीनें कब्जा कर ली किसानों की, जो पंजाब में बेचारे गरीब सिखों की जमीनों पे उन्होंने कनाडा का सपना दिखा दिखा के जमीनें उनसे छीन ली, इनकी पावर आती है कनाडा से। इनका पैसा था कनाडा में, इनका पैसा लगा है पंजाब में, तो पावर आती कैनेडियन पॉलिटिक्स से, वेल्थ आती है पंजाब से। अगर आप इनकी वेल्थ पे कब्जा कर लो, अगर आप इनकी वेल्थ पे आघात कर लो, तो ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। आप जानते हैं कि कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। पॉलिटिक्स से तो इनकी दुकान हो गई है बंद, ठीक है, लगभग लगभग ही इज नो बड़ी ना। और आप पंजाब में अगर हम अभी ताबड़तोड़ एक्शन कर ले जो भी चल रहा है, इनकी वेल्थ को भी इम्पैक्ट कर लेते दोनों तरफ से। जैसे गन्ने के जो चक्के होते हैं ना, वो दो चक्के घूमते उसमें गन्ने को डालते, बिल्कुल इनका यही हाल है। और एक बहुत बड़ा फ्रंट जो है ये निरस्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे यूएस में देखिए, इसका एपिसेंटर कनाडा था, कनाडा में सारी इनका हिसाब किताब होता था। कनाडा से गए, यूएस से गए, यूके से गए, ऑस्ट्रेलिया में हम देख लेंगे, इनको कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये मानता हूँ ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, एक भारत का बहुत बड़ी चीज है। भारत का भी इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोल है। ये बिलियर्ड्स का टेबल है इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स। आप इस बॉल को मारते हो, वाली बॉल जाती है और जो होल में जाती है वो चौथी बॉल होती है। तो चौथी बॉल को आपको होल में डालने के लिए आपको रेड बॉल, रेड से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से व्हाइट बॉल। इफ योर टारगेट इज व्हाइट बॉल, यू मे नॉट हैव टू हिट द व्हाइट बॉल डायरेक्टली, बट यू हैव टू प्लान योर थिंग्स। तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये जो मेनेज वाला था ये काफी हल्का हो गया। अभी आप देखेंगे पन्नू के भी हौसले पस्त हो जाएंगे, पन्नू की भी दुकान लगभग लगभग बंद की जाएगी। हम आप देखेंगे मोदी सरकार और डॉक्टर जयशंकर सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा हो रहा। भारत का जो जियो पॉलिटिक्स में वर्चस्व वो बढ़ रहा है। देखिए अगर अमेरिका अपना नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखेगा, उसे यहाँ रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया की नजदीकियां दिख रही, एटलीस्ट रशिया और चाइना की नजदीकियां दिख रही। भाई अगर वहां रशिया और चाइना नजदीक आ रहा, आपको भी तो हमारे नजदीक आना पड़ेगा। आप हमारे नजदीक आओगे भाई साहब, हमारे इंटरेस्ट का ध्यान तो रखना पड़ेगा। एक्स वाई जेड जितने ये दाएं बाएं साइड हीरो घूम रहे, जरा इनको ठीक करो, जरा इनकी तबीयत पानी ठीक करो। इनकी तबीयत पानी ठीक होगी तो हमारी आपकी दोस्ती बनेगी, मित्रता बनेगी। मैं हमेशा कहता हूँ अमेरिका के साथ रिलेशन होगा, ट्रांजिशनल होगा, बट यू कैनॉट से वी कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका। यू नीड अमेरिका, अमेरिका नीड्स अस। मतलब ठीक है यार, मान लो लिव इन रिलेशन ही है ना, तो शादी नहीं हुई, लिव इन रिलेशन ही, लिव इन पे ही चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू कैनॉट से आई कैनॉट ट्रस्ट यू, ये दिस इज ऑक्सीमोरॉन। और अगर ये जो घटना हुई, अगर आप मानते हो कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, इसमें अमेरिकन सीआईए का कोई हाथ नहीं है, बिना उनके संरक्षण से हुआ, और आज पाकिस्तानियों की तो हाय अल्लाह, पाकिस्तानियों के तो भाई घरों में मातम छा रहा होगा। के टू डेस्क की एक टांग तो टूट गई, दूसरी हम कश्मीर में तोड़ ही नहीं गए, कश्मीर में टांग तोड़ देंगे, एक्शन होगा वहां पे भी। और जो दूसरी टांग थी के वाली, अब के टू ना लूला डेस्क है। अरे अंजुम तेरा लूला डेस्क बन गया भाई, एक टांग कश्मीर में हमने तोड़ दी, एक तुम्हारी टांग तोड़ दी कनाडा में, अब तू क्या करेगा बेटा। वैसे तू तो अंडरग्राउंड है नदी मंजू, तू तो आजकल देखा नहीं जा रहा। तेरे साथ भी तेरे प्रेडिसेसर का जो हाल हुआ ना, जो जेल में है, नाम तुझे पता ना बेटा कौन सा, किसकी बात कर रहा हूँ, कहीं तेरे साथ भी वो हाल ना हो जाए, फरार हो जाए निकलने वक्त रहते। आसिम मुनीर बड़ा जालिम है, किसी को नहीं छोड़ रहा, हर एक को ठोकर आजकल बेटा। और भारत से पंगा लोगे वहां नंगा करेंगे जहां चड्डी भी नहीं मिलेगी। और देखो एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे रख के भागते नजर आओगे, ठीक है। तो भारत से पंगा लेने की ना तुम्हारी औकात थी ना ना तुम्हारी हिम्मत थी। अपना आराम से चुपचाप बैठो, औकात में रहो और पंगे ना लो, जान बचाओ नदी मंजुम अपनी। तुम्हारे के टू डेस्क का आज जनाजा पड़ गया, हम पढ़ा दिया हमने, अब जुम्मा आने वाला कल, तो एक जुम्मा क्या कहते हैं, जुम्मा फाते जो के टू डेस्क का, वो कल पढ़ लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना,
और खुश हो जाना जी तुम्हारे के टू डेस्क की कहानी खत्म। अभी देखिए हम आगे आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ क्या क्या एक्शन करेंगे, और देखिए अगर जियो पॉलिटिक्स में ऐसी चीजें होती ये खुद से नहीं होती सर, दे नॉट हैपन ऑन देयर ओन, और जिसको जहां जो कुछ करना होता कर रहा होता। कई बार क्या होता हम थोड़े उतावले होते हैं, हमें ये नहीं दिखता, हमने बहुत स्लो को समझाया, और भारत की डिप्लोमेसी में धार है, कनाडा को भारत की जरूरत है, अमेरिका को भारत की जरूरत है, अगर आपको हमारी जरूरत है तो हमारे इंटरेस्ट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यू कांट लव इंडियन मार्केट्स एंड हेट इंडिया एंड इंडियाज़ इंटरेस्ट, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। चाइना देखिए घुटने रगड़ रहा, चाइना के जूते घिस गए, कहते हुए कि लेट्स रिज्यूम ट्रेड एंड बिजनेस, बिल्कुल मोदी सरकार का बिल्कुल क्लियर मैंडेटेड ऑपरेशन था साहब का, इट कांट बी बिजनेस एज यूजुअल। कनाडा को भी ये मैसेज दिया गया, देखिए हमने अपने स्टूडेंट नहीं भेजे यार, 70% रेवेन्यू तो हमारे स्टूडेंटों से आता है ना, अगर कल को हम हमारे लोग वहां जाना बंद कर दें, इमिग्रेशन बंद कर देंगे, कनाडा की दुकान बंद हो जाएगी, भालू कनाडा और बर्फ ही मिलेगी, तीन चीज है वहां पे, चौथी चीज कोई है नहीं, मतलब जो आबादी है दैट लिव्स इन दिस 5% ऑफ द एरिया 95% कंट्री का वीरान है, इन इन क्या कहते हैं वहां सिविलाइजेशन रह सकते, इनहैबिटेबल, इन जहां जहां सिविलाइजेशन या ह्यूमन रह नहीं सकते, और ऐसे में ऐसे अकड़ पॉलिटिकल पप्पू बहुत खतरनाक होता है। ये पॉलिटिकल पप्पू की दुकान भी बंद हो रही है, अब देखिए एक की तो यहाँ दुकान चली नहीं, दूसरी की चल पड़ी थी वो भी बंद हो गई, क्या करें जो महाकाल की इच्छा। बस ये बड़ा अच्छा समाचार है, हम तो आज बल्ले 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 दुश्मन थल्ले थल्ले, यही था आज का विचार भारत विचार में। तो जाने से पहले आज 50,000 का आंकड़ा जरूर होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, 50,000 पूरा कराना है, कल जब थर्सडे को मिले तो 50,000 के ऊपर हो भैया, 50,000 एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क होता, अभी तो 5,00,000 है, 50,00,000 पे पहुंचना। तो यही था विचार भारत विचार में, मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, और हमेशा की तरह एक चीज तो जाने से पहले कहनी पड़ेगी ना, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। जिस दिन भारत के लिए अच्छा समाचार होता आपको मेरी ध्वनि में उस दिन ऊर्जा दिखेगी, मेरी ध्वनि में उस दिन प्रताप दिखेगा, और दिखना भी चाहिए। नमस्कार।